Yes, hello everyone. The first important point for the students to attain success is to develop a strong desire for a quest of learning. सीखने की खोज की दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए. जिन स्टूडेंट्स में एक सीखने की प्यास होती है, जिज्ञासा होती है, एक इरादा होता है, एक जज्बा होता है, निश्चित ही वो अपने रास्ते खुद तलाश कर लेते हैं, सफलता की ओर खुद ही अग्रसर हो जाते हैं. दूसरी ओर जिन स्टूडेंट्स के पास एक इरादा नहीं होता, एक प्यास नहीं होती सीखने की, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप उनको एडमिशन दिलवा दें, चाहे आप उनको कितने भी संसाधन उपलब्ध करा दें, वो सफलता को हासिल नहीं कर सकते. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले वो सीखने की खोज की एक दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करें. सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डिस्कवर यूर सेल्फ एंड एक्सप्लोर यूर पोटेंशियल्स. हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि सभी गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते, लेकिन एक गुण हर व्यक्ति में जरूर होता है. कोई ना कोई हिडन टैलेंट हर व्यक्ति में पाया जाता है. उस टैलेंट को हम पहचाने और उसके अंदर परफेक्शन के लिए हम काम करें. कभी भी हम स्ट्रीम को, कभी भी हम किसी फील्ड को इसलिए नहीं चुने कि फ्रेंड्स ने ऐसा बोला, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, इसलिए मैंने चुना. नो, आप में जो टैलेंट है आप उसको पहचाने, उसकी परफेक्शन के लिए आप काम करें. और ये ध्यान रखना कि कई बार ये लोग कहते हैं कि इस फील्ड में स्कोप है इसलिए मैंने चुना. नो, कभी भी फील्ड में स्कोप नहीं होता, हमेशा टैलेंटेड व्यक्ति की परफेक्शन में स्कोप होता है. इस बात को ध्यान रखना, हर व्यक्ति की टैलेंट के परफेक्शन में एक स्कोप होता है. आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डॉक्टर्स बने, बहुत से लोग अलग अलग प्रोफेशंस में गए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेशन में उनके साथ पैशन नहीं जुड़ा हुआ था. प्रोफेशन प्लस पैशन इक्वल टू सक्सेस एंड प्रोफेशन माइनस पैशन इक्वल टू फेलियर. थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप में यकीन पैदा करना कि मैं भी कर सकता हूं, निश्चित ही मैं भी कर पाऊंगा. जब आप अपने टैलेंट पर परफेक्शन के लिए काम करने लगे तो सबसे पहले ये यकीन दिलाएं अपने आप को कि मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी कर सकता हूं. और ये याद रखना कि आपके मोटिवेशन के लिए कोई और व्यक्ति नहीं आएगा, आपको खुद ही मोटिवेट अपने आप को करना है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू डेवलप ए पर्टिकुलर हैबिट फॉर रीडिंग द बुक्स. बुक्स के साथ आप जिंदगी में जरूर दोस्ती कर लें, बुक्स में बहुत कुछ होता है. इसलिए कहा गया है रीडर्स आर द लीडर्स एंड बुक्स लेट अस ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, लेट अस मीट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विदाउट मूविंग आवर फीट. आप एस्टेब्लिश्ड राइटर्स की बुक्स को पढ़ें, निश्चित ही उसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, बहुत ही कुछ अनुभव होते हैं बहुत एस्टेब्लिश्ड लोगों के. आप सफल लोगों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को जरूर पढ़ें, उसमें वो जरूर लिखते हैं कि किन किन जगह पर किन के कारणों से मुझे असफलता मिली, किस किस जगह पे किस किस कारण से मैं सफल हुआ. वो चीजें अपने आप जो आपको अडॉप्ट करनी होंगी आप अडॉप्ट कर लेंगे, जो आपको रिजेक्ट करनी होंगी जीवन में वो आप रिजेक्ट कर देंगे. ऐसे ही बहुत सी स्किल्स पे बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में, आप उन बुक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि जीवन में बहुत से स्किल्स और चाहिए होंगी जो आपको सफलता के लिए काम आएंगी, वो आपको बुक्स से ही मिलेंगी. तो बुक्स से आप दोस्ती कर लें. यस, मेक योर टाइम इफेक्टिव. आपने देखा होगा सफल लोग और असफल लोग, दोनों लोग डे में 24 आवर्स को ही जीते हैं, लेकिन वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से अपने टाइम को प्लान करते हैं, वही उनकी सफलता या असफलता को निर्धारित करता है. और हमने सुना है कि जीवन में सबसे बड़ा अन्याय जो खुद के साथ होता है वो यही होता है जो हम अक्सर कर लेते हैं, हम समय को ऐसे ही जाने देते हैं. जो लोग समय को अपने जाया करते हैं वो अपने आप के साथ इनजस्टिस करते हैं, और जो समय का सही उपयोग कर लेते हैं, सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं, उसको सही यूटिलाइज करते हैं, वो अपने साथ न्याय करते हैं, वो जीवन में सफलताओं को पाते हैं. तो आपको बहुत सा समय मिला है, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, आप सेल्फ स्टडी के लिए अपना समय दें, और फिर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसको एक एनालिसिस करें कि कितना समय मैंने अपनी स्टडी को दिया, कितना मैं आगे बढ़ पाया उस समय में. तो समय को आज आप रिस्पेक्ट दें, निश्चित ही कल समय आपको रिस्पेक्ट देगा. एंड वन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एड वैल्यूज इन योर पर्सनैलिटी. आप बहुत से सफल लोगों की जीवनी को पढ़ें, आप बहुत से सफल लोगों को खुद गौर से देखें, निश्चित ही उनके जीवन में कुछ वैल्यूज रही जिसके कारण वो सफल हुए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे अंक लेकर कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है, बहुत सी सोशल स्किल्स, बहुत सी और तरह की स्किल्स जीवन में जरूरी होती हैं, बहुत सी ऐसी वैल्यूज, ऐसे एथिक्स जरूरी होते हैं जो जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं. आप उन वैल्यूज को अपने जीवन में जरूर जोड़ते जाना, आप नोट करते जाना हर सफल व्यक्ति को, और उसमें जो जो अच्छी आदतें हैं उसमें आप डालते जाना. जैसे आप महसूस करेंगे कि हर व्यक्ति जो सफल हुआ उसने बहुत मेहनत की और उसके साथ बड़े स्मार्ट वे में की, आप पाएंगे कि वो सब लोग बहुत
पंक्चुअल थे, आप भी पंक्चुअल रहे। आप पाएंगे कि उन्होंने समय को महत्व दिया, आप भी महत्व देंगे। आप पाएंगे कि उन्होंने बाकी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन लोगों ने भी उनके जीवन में हेल्प की, आप भी जीवन में दूसरे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना सीखें। आप पाएंगे कि उनके जीवन में एक कमिटमेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमिटमेंट, कि जो आपने कमिटमेंट किया उसको आप जरूर पूरा करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए। कमिटमेंट अपने आप से होता है कि ये जो मैंने टास्क लिए मैं इसको एक निश्चित समय में कंप्लीट करूंगा और पूरे उत्साह के साथ करूंगा। तो इन पॉइंट्स के साथ आप जीवन में बढ़े निश्चित ही आप सफलता को पाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने सीखा कि डिवेलप ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की खोज के लिए एक इच्छा शक्ति को डिवेलप करें। सेकेंड पॉइंट इज दैट एक्सप्लोर यूर सेल्फ एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल्स, हिडन पोटेंशियल्स इन यू। हर व्यक्ति में कोई गहरा एक हिडन गुण होता है, टैलेंट होता है, उस टैलेंट की परफेक्शन के लिए काम करें, क्योंकि सफलता के लिए परफेक्शन जरूरी है। सफलता के लिए ऐसा नहीं कि इस फील्ड में ये स्कोप है, नो, आप मानिए कि टैलेंटेड आदमी के परफेक्शन में एक स्कोप होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने आप में यकीन पैदा कर लें। जब भी आप परफेक्शन के लिए काम करें अपने टैलेंट के ऊपर, तो इस यकीन के साथ करें कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर पाऊंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू डेवलप ए हैबिट फॉर रीडिंग द बुक्स। आप बहुत सी बुक्स को पढ़ें जिससे आप बहुत कुछ अच्छा ले सके और बहुत कुछ वो अवॉइड कर सके जो आपके जीवन में जरूरी नहीं है, और अपने टाइम को आप इफेक्टिवली यूज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी वैल्यूज को जोड़ते जाएं जो आपके जीवन में आपको सफलता की ओर अग्रसर करें। थैंक्स।